हेलो हेलो। हेलो प्लीज एवरीवन, प्लीज कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। हेलो। यस। ओके जस्ट सेकेंड। राइट। ओके प्लीज एवरीवन गिव थम्स अप, एक लाइक कर दीजिए टू कंफर्म, बिकॉज आई कांट सी, आज कुछ एडिटिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे यूट्यूब में, पता नहीं क्यों। यस ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ रिजल्ट ओके। हाँ सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स लेंगे, और सबसे बड़ा डाउट अब जब रिजल्ट आ गया है तो आगे की क्या प्रोसेस होगी, ठीक है? उस पर आराम से बात करेंगे, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। पर ओके राइट, तो जो पीडीएफ है एक आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज कंफर्म मी। यस सभी को दिखाई दे रहा है, काउंसलिंग प्रोसेस समझाने के लिए ये पीडीएफ मैंने निकाला है, राइट? ओके चलिए। ठीक है ठीक है ठीक। ओके थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। मैम फिजिक्स में जगह पर फिजिकल एजुकेशन, नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेन सब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए। मैं बढ़िया हूँ अदिति, हाउ आर यू? आ रही भोपाल, 300 नंबर, SC Art, आराम से हो जाएगा सिद्धार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक इस पर भी बात कर लेते हैं कट ऑफ, क्योंकि हमने जो पोल किया है, अच्छा डेली सेशन, डेली सेशन में हम लोग फिर तो हम लोग गप्पे लड़ाने लगेंगे, है ना? ओके यस, तो आप सभी लोगों को पता है हमने जो पोल किए उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, है ना? तो राइट, जो रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग जिनके 200 तक मार्क्स हैं, है ना, 200 तक मार्क्स हैं उनके चांसेस हैं, 90% तक उनकी चांसेस है, 300 के अबव तो 100% चांस है, ठीक है? 300 के अबव 100% चांस है, 200 तक अगर कैटेगरी वाइज अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट भी है, तो पहले मैं वो कंफर्म कर दूं आप सभी लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मेरे मोबाइल में है वो, गिव मी अ सेकेंड। कट ऑफ लिस्ट है, बट वो CUET की है, BA BEd कोर्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। NCET जब तक अनाउंस नहीं हुई थी, BA BEd, है ना, BSc BEd, ये कोर्सेस CUET के थ्रू ही हो रहे थे। तो इसी साल की लेटेस्ट ये रिपोर्ट है, किसी स्टूडेंट ने ही मुझे भेजी कि मैम ये क्या है मुझे बता दीजिए। तो एक्चुअली उन्होंने, जस्ट सेकेंड, इसको मैं साइन कर देती हूँ, जस्ट सेकेंड गिव मी 1 मिनट। ओके ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, फिर मैं आपके सामने वो भी शेयर करती हूँ PDF, ठीक है? यस अपने ये सागर यूनिवर्सिटी है ना, वहां की कट ऑफ लिस्ट है। अब रिजल्ट आ गया है, उसके बाद क्या
उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। आप सभी के जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, कमेंट मैं अभी देखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार प्रोसेस आप सभी लोगों को समझा दूं। यस, ओपन काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं अगर वो ओपन काउंसलिंग कर रहे हैं तो, वही मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो NCET 2023 की जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, अब NTA कोई भी कट ऑफ रिलीज नहीं करेगा, अब इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट आएगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए आपने कोई 3 इंस्टीट्यूट भरे हैं, हम धीरे मान लेते हैं कि आपने RI भोपाल ले लिया है, ठीक है, अजमेर ले लिया है, ठीक, या कोई एक सागर यूनिवर्सिटी ले लिया, ये 3 हम मान लेते हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया, आपको स्कोर कार्ड दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया है, स्कोर कार्ड, और यही स्कोर कार्ड NTA ने इंस्टीट्यूट को भी भेज दिया है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट या तो उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे अपनी वेबसाइट पर, कहां पर, वेबसाइट पर, ठीक है। तो अगर आपको RI भोपाल में एडमिशन लेना है तो रेगुलरली रोज एक बार RI भोपाल की वेबसाइट चेक कीजिए, अजमेर की वेबसाइट चेक कीजिए, सागर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कीजिए, वहां पर जो लिस्ट होगी, एक लिस्ट रिलीज होगी जिसमें आपका नाम होगा, ठीक है, जितने भी आपके स्कोर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहां पर वो टाइम दे देंगे कि भाई 1 वीक के अंदर, या फिर एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे कि आप 10th of September तक आकर के, ये मैं इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है, इमेजिनरी डेट्स हैं ये, अभी आप मत मान लेना कि 10 September तक एडमिशन होना है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो आधा में सुनते हैं फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नहीं, अभी कोई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ नहीं निकला है, देखिए अभी 26 को तो अपना रिजल्ट आया ही है, जहां तक मुझे 25 या 26 को आया है, ठीक है। अब वो भी लिस्ट बनाएंगे और फिर आपको बुलाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर से 50 तरह के झोल झाल, ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम पैनिक नहीं होना है, ठीक है। मान के चलिए कि रक्षाबंधन तक एक लिस्ट जो है जरूर आ जाएगी अलग अलग इंस्टीट्यूट की, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट होगी इसमें आपका नाम होगा, आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। जो NTA ने बताया है उसके अकॉर्डिंग तो यही स्टेप चल रहा है, ठीक। अब आपको कैसे मालूम कि आपका नाम किस इंस्टीट्यूट में आएगा, देखिए जब आपने फॉर्म फिल किया था, तब आपने इंस्टीट्यूट के नाम दिए थे ना कि भाई इन इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट में आपकी लिस्ट, आपका नाम भेज दिया गया कि भाई इस बच्चे ने इस इंस्टीट्यूट को चूज किया है और इसके मार्क्स इतने हैं। तो जो जो फॉर्म भरते समय आपने जिन भी इंस्टीट्यूट के नाम लिखे थे, 1 के लिखे थे, 5 के लिखे थे, 10 के लिखे थे, उनकी वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है, वहां पर आपका नाम आएगा, और ये प्रोसेस कहलाती है क्लोज्ड काउंसलिंग, है ना, क्लोज्ड काउंसलिंग। मतलब कि जो नाम आप पहले ही दे चुके हैं वहां पर उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम आएगा, ये अभी तक समझ में आ रहा है NTA के अकॉर्डिंग। दूसरे चांसेस ये भी बन सकते हैं, ठीक है, ये भी बन सकते हैं कि वो ओपन काउंसलिंग करवा लें, ये पहली चॉइस ये है, ठीक है, और दूसरा है ओपन काउंसलिंग।
अब मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि ये ओपन होगी या क्लोज्ड होगी जब तक एक ना एक कोई इंस्टीट्यूट अपना नोटिफिकेशन रिलीज करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हो रही है, ये मेरा कहना नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट एनटीए ने क्रिएट करा है। ठीक है, एक तो उन्होंने ये कह दिया आपका जो एडमिट कार्ड है, मैं आपको एक एडमिट कार्ड भी शो कर देती हूँ यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, फिर हम लोग कमेंट्स पर आएंगे। कहाँ है भाई वो एडमिट कार्ड? हाँ, एरा है ना, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, ये एक बच्चे का एडमिट, सॉरी नॉट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड है, ये एक बच्चे का स्कोर कार्ड। और यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिख दिया है, यू हैव अप्लाइड टू द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड योर रिजल्ट डाटा इज बीइंग शेयर्ड विद देम। मतलब ये पांच यूनिवर्सिटी में बच्चे ने, पांच यूनिवर्सिटी चूज करी थी और उसका डाटा एनटीए ने डायरेक्टली भेज दिया है इन इंस्टीट्यूट को। इसका क्या मतलब निकला कि अब इंस्टीट्यूट के पास डाटा है, वो आपसे मांगेगा नहीं, वो तो लिस्ट रिलीज कर देगा। ये हो गई क्लोज्ड काउंसलिंग, है ना। बट ऐसा होगा या नहीं कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे फॉर्म भराएगा क्या सब, उसमें उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट्स कैन अटेंड एनी इंस्टीट्यूट काउंसलिंग। ठीक है, तो यही पर एनटीए ने ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। इट्स नॉट अबाउट मी, मैं नहीं कह रही हूँ, एनटीए ने ही ये दो अलग अलग चीजें कही हैं। अब एक बार किसी भी एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाए, फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि क्लोज्ड काउंसलिंग हो रही है या ओपन। ओपन में क्या होगा, मान लीजिए मुझे असम की कोई यूनिवर्सिटी है एनसीईटी के थ्रू जो एडमिशन दे रही है, तो मैं वहां पर अब वो डाटा बुलाएंगे, वो बोलेंगे कि जिन जिन लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वो ये वाला फॉर्म फिल कर दें, जिसमें आपका स्कोर है ना, स्कोर कार्ड अपलोड करवाया जाएगा, फिर वो लिस्ट बनाएंगे, है ना, फिर वो लिस्ट बनाएंगे और फिर वेबसाइट पर रिलीज करेंगे। क्लियर है इतना, ये ओपन एंड क्लोज्ड काउंसलिंग हुई। तो अभी अब आपको इतना ही करना है, समझ में आई सभी लोगों को बात? इसमें कोई भी डाउट, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं कल से कि मैम रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है। यस, नहीं नहीं अभी किसी भी इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, प्लीज डोंट रिलीज एनी फेक न्यूज। ठीक है, मेरे अनुसार कट ऑफ कितना जा सकता है, मुझे लगता है कि अबव 250 जितने भी लोग हैं उन्हें एडमिशन मिल जाएगा, अबव 250। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, गिव मी अ सेकेंड, मैं एक आपके साथ पीडीएफ यहीं स्क्रीन पर शेयर करती हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, कट ऑफ लिस्ट, सीयूईटी की एक कट ऑफ लिस्ट है जो कि बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए है। ठीक है, मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, इस बीच कोई और डाउट हो, अच्छा एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से और करना चाहूंगी। देखिए 41 या 42 इंस्टीट्यूट हैं जो इस एनसीईटी के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं, अगर ओपन काउंसलिंग होती है तो ये आप सभी लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप रोज 41 इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक करें। क्या यह पॉसिबल है कि आप सुबह शाम 41 इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक कर पाए? ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो हम सभी लोगों को मिल करके काम करना होगा, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगी। आपको पता चलता है किसी इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज करें, हम लोग सर्कुलेट करेंगे। ऐसे ही कोई तीसरा बच्चा हमें बताएगा तो मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगी। तो मिल करके चलेंगे तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी।
हाँ बिल्कुल मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, बट अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप करके जरूर बताएं, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ की, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कट ऑफ, गिव मी अ सेकेंड। मैसेज देखिए, मैसेज में कर तो रही हूँ बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास रिपीटेड, अगर सभी लोग यही पूछते रहेंगे कि मेरा स्कोर ये है और क्या होगा, तो ये मैं पिछले दो क्लासेस से बता रही हूँ, अबव 250 सभी का एडमिशन पॉसिबल है, जो लोगों ने अबव 250 मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, यस, जस्ट सेकेंड, अभी मैं आपको कट ऑफ लिस्ट और कट ऑफ होता क्या है ये सब भी बता ही देती हूँ। ओके, एक मिनट देना, मैं फाइल को अपलोड कर रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैम मैंने सारे यूनिवर्सिटी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 248 पॉसिबिलिटी है, हाँ पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अबव देखिए, अबव 250 जो है, मैं मान के चल रही हूँ कि 100% चांसेस हैं। ठीक है, पहले हमने 350 रखा था, 350 सेफ जोन है, उनका तो हो ही गया एडमिशन, ये मान के चलिए 250 तक भी हो जाएगा अगर कैटेगरी वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है तो। बिलो 250 मैं कह सकती हूँ कि 75 के आसपास के चांसेस हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं अब मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। राइट, बस रोज वेबसाइट जरूर चेक करना है और घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है, कम से कम आपको 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, 5 से 6 दिन का समय आपको मिलेगा, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग के लिए अगर डाटा दिया जाएगा, लिस्ट रिलीज की जाएगी, या आपसे डाटा मंगवाया जाएगा, आपका स्कोर कार्ड मंगवाया जाएगा, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस टच में बने रहना है, ग्रुप से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ये भी बता दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं रिजल्ट नहीं आया है, कल 5 मैसेज आए हैं मेरे पास, बच्चे पूछ रहे थे मैम रिजल्ट कब आएगा, मैं क्या कहती हूँ, मैं भी बताइए। ठीक है, तो जरूरी ये है कि आप कनेक्टेड रहें, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। चलिए, स्क्रीन पर सभी को दिख रहा है, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर इंस्टीट्यूट। ठीक है, सभी को दिख रहा है, क्लियर है, यस प्लीज कंफर्म। ठीक है, ओके, ठीक है, राइट, चलिए आप देखते हैं इसमें। हाँ तो ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका जो एडमिशन हुआ था CUET के थ्रू, है ना, CUET के थ्रू, उसके कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपको बता दूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को CUET के थ्रू हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है, BA BEd BSc BEd में। अब NCET के थ्रू कैसे मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्या घपलेबाजी चल रही है, राइट, बट ये देखिए यहाँ पर BA BEd की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, दिखाई दे रहा है, जस्ट सेकेंड, ओके, ये अभी कोई लिस्ट रिलीज नहीं हुई है, ये CUET एग्जाम की लिस्ट है। ठीक है, मैं पहले ही कंफर्म कर दे रही हूँ, ये CUET एग्जाम की लिस्ट है। ठीक है, चलिए देखिए,
क्या लिखा है यहाँ पर, बी ए बी एड की डेट 16th of August 2023, मतलब कि जो सीयूईटी के थ्रू हुआ था इसलिए पहले ही हो गया। 9 AM रिपोर्टिंग टाइम था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। ऑल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी डिफेंस और एक्स सर्विसमैन के लिए मेरिट स्कोर और कट ऑफ अप टू 300 marks, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के थे जिनके 300 तक मार्क्स थे उनका सीट फिक्स हो जाएगा अगर उनके डॉक्यूमेंट सही निकले, मतलब फिक्स हो गया होगा है ना, 16 अगस्त की बात है जब ये, तो ठीक है। तो 300 के ऊपर जिनके मार्क्स थे उनको जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी में ठीक है मिल चुका है एडमिशन 300 से ऊपर, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑल कैंडिडेट अप्लाइड इन दिस कैटेगरी अप टू 300 marks, पीडब्ल्यूडी भी आ गए इसमें और डिफेंस कैटेगरी वाले भी आ गए। फिर 1 PM पर उन्होंने बुलाया किन लोगों को जो EWS कैटेगरी के हैं, उनका कट ऑफ देखिए 231 marks है, 231 marks पर EWS वालों का एडमिशन हुआ, मतलब 231 पर क्लोज हो गया। अब अगर किसी का 220 रहा हो, 230 भी रहा हो, एक भी नंबर कम रहा हो तो उसे एडमिशन नहीं मिल पाया होगा, ठीक है। ओबीसी जनरल ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीम लेयर के लिए 238 पर एडमिशन क्लोज हो गए, एससी के लिए 200 पर और एसटी के लिए अप टू 176 पर एडमिशन क्लोज हो गए। तो अब अगर कोई एसटी कैटेगरी का रहा होगा और उसके 170 या 175 भी मार्क रहे होंगे तो उसे एडमिशन नहीं मिला होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। और अगर डॉक्यूमेंट गलत हो गए तो फिर बात अलग है, फिर वो पीछे वालों को बुलाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसमें गर्ल्स का और बॉयज का कोटा वहीं पर पता चलेगा, ठीक है। नहीं, स्टेट वाइज रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ऑल इंडिया लेवल पर हो रही है ये एग्जाम, फिर देखते हैं बाद में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट CUET एग्जाम हुई थी अभी 2023 के एडमिशन के लिए हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, उसी के थ्रू एडमिशन हुए हैं, उसी की ये कट ऑफ लिस्ट है BA BEd की। अब NCET में जो नाम आया है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का, इसके लिए अलग सीट है या इसी के थ्रू हो गए हैं एडमिशन, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अब देखते हैं BSc BEd, ठीक है। ये देखिए BSc BEd बायो ग्रुप, फिर मैथ्स ग्रुप की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए जस्ट सेकेंड, यस, BSc BEd वालों को 17 अगस्त को बुलाया उन्होंने, और BSc BEd में जो बायो ग्रुप था उसका एडमिशन का कट ऑफ कितना गया, 340 मार्क्स तक गया ऑल कैटेगरी, ठीक है। PWD डिफेंस और एक्स सर्विसमैन इसमें आ गए, मतलब 340 मार्क में बायो ग्रुप के BSc BEd में एडमिशन हुए। वहीं EWS वालों का जो कट ऑफ था वो 248 मार्क्स तक गया। OBC देखिए कितना हाई चला गया, OBC में 290 मार्क्स तक गए, SC में 239 और ST में 221। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अबव 200 जिनके भी मार्क्स हैं दे आर इन सेफ जोन, ठीक है, यू ऑल आर इन सेफ जोन। ओके, मैम इन विच IIT खड़गपुर और RIE, देखिए हाँ एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मैम RIE में जाएं या फिर हम
आईआईटी में जाएं तो देखिए आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये वो इंस्टीट्यूट है जो सालों से सिर्फ टीचिंग के कोर्स ही करा रहे हैं, इनके आगे कोई इंस्टीट्यूट नहीं लगता है टीचिंग की फील्ड में। ये आईआईटी एनआईटी तो नए पहली बार करा रहे हैं, तो नए हैं इस फील्ड में, ठीक है। बट आरआई जो है उसकी लीगसी जो है बहुत पुरानी है, जितने भी बेस्ट माइंड है टीचिंग के फील्ड के वो आपको कहाँ मिलेंगे, आरआई में। जो टीचिंग स्किल आप वहां से सीखेंगे वो कहीं नहीं सीख पाएंगे। और उसके बाद जितनी भी जॉब की एग्जाम होती है ना आपकी, ये स्टेट की प्राइस, जितनी भी सरकारी एग्जाम होती है टीचिंग की, उसमें जो सीडीपी पूछा जाता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो फिर कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी, कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा एग्जाम की तैयारी के लिए, जॉब की तैयारी के लिए। वहां से पढ़ के निकलो, इतना वो आपको डेवलप कर देंगे कि डायरेक्टली आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। हाँ, पर ये होना चाहिए कि आपने पढ़ाई की है वहां जाके। अभी जैसे कमेंट सेक्शन में चल रहा है, अगर वो चलता रहा वहां पर भी तो फिर कोई कुछ नहीं दिला सकता, ठीक है। राइट, ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आरआई से पढ़ना मेरी नजर में सबसे बेस्ट है, मैं आईआईटी से भी उसको आगे रखूंगी, आईआईटी एनआईटी से, क्योंकि वहां जो टीचर पढ़ाएंगे और कहीं नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सालों से उनका काम यही है। प्लस प्लेसमेंट की बात जहां तक मैंने आपको बताई थी, प्लेसमेंट हमारे समय से होता आ रहा है, तो अभी तो प्लेसमेंट काफी अच्छा होगा, क्योंकि स्कूल्स की जो चेन्स है वो आजकल ऐसे ही इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट टीचर लेती है, राइट। अब बीएससी बीएड मैथ्स की बात करते हैं, बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप, यहाँ पर देखिए अप टू 320 मार्क्स में सभी ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट आ गए हैं इसमें, राइट। 285 मार्क्स ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ओबीसी 269 मार्क्स पर क्लोज हो गया एडमिशन, एससी में 226 मार्क्स पर क्लोज हो गया, और एसटी में 165 मार्क्स के लिए। आप सभी लोगों को फिर से बता दूं, जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, ये जो लिस्ट है ये सीयूईटी वाली लिस्ट है, ठीक है। अभी एनसीईटी की कोई लिस्ट किसी इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, राइट, बी क्लियर इन दिस। और फिर बाकी दूसरे कोर्सेज हैं इसमें, ठीक है। तो मान के चलिए 250 के अबव कैटेगरी वाइज एडमिशन पक्का है, 350 के अबव एडमिशन पक्का है जनरल हो या कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो जा रहे हैं वो 250 के आसपास तक जा रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आप देख लें, ठीक है, 10-20 मार्क्स ऊपर नीचे, तो ये ट्रेंड चल रहा है, राइट। ओके ओके मैम, सीयूईटी में दो डोमेन प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस जीटी था सिर्फ, अच्छा हाँ, यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर तीन डोमेन सब्जेक्ट मांगे थे, आपके अनुसार कट ऑफ कितना जा सकता है आरआई के लिए, बोला ना मैंने आपको उदय, 300 के अबव जो भी है 300 कट ऑफ रहेगा जितने भी आ रही हैं, है ना। ओके, अंबेडकर दिल्ली में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, हाँ अभी नहीं है, ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट वो रिलीज करेंगे फिर वो बताएंगे, ठीक है। ठीक है, 300, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 300 प्लस में 100% चांस है, ओके। 242 ओबीसी कैटेगरी एनी चांस इन आरआई,
ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर 250 अबव होता तो फिर हम थोड़ा मान सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने कल डाटा शेयर किया था ओबीसी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं। ठीक है। सीयूईटी कितने मार्क्स का हुआ था भाई बताइए, सभी लोग सीयूईटी देख करके बैठे हैं यहाँ पर, नहीं कितने हाईएस्ट मार्क्स थे? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे सीयूईटी के? एट हंड्रेड फिफ्टी। देखिए यहाँ पर भी चेंजेस है, 800, 850, 1200। मैक्सिमम मार्क्स 800, इसमें भी कंफर्म नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, तो काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ये क्लियर है। अब बस एक ही चीज बचती है, रेगुलरली वेबसाइट चेक करना है, इससे ज्यादा अभी आपको कुछ करना नहीं है। क्लोज्ड काउंसलिंग होगी तो जिसने जो भर दिया बस उसकी किस्मत में वो है, आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और एडमिशन ले लेना है, राइट। ओपन काउंसलिंग हुई तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनमें जिनमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें उनमें कर सकते हैं, बट एक चीज, काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसमें पैसे लगेंगे आपके, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत ही हम कह सकते हैं कि वाइसली चूज करना है, अगर आप सारे इंस्टीट्यूट में भरने लगे तो फिर आपके पैसे बहुत चले जाएंगे, इसलिए कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट चूज करके रखिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन माने, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो जितने भी आरआई हैं उनको प्रायोरिटी में रखिए, उसमें भी आरआई अजमेर सबसे ज्यादा अच्छा है, फिर मैं मानती हूँ आरआई भोपाल है सेकेंड नंबर पर, भुवनेश्वर और ऐसे बहुत सारे हैं, तो आरआई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आईआईटी एनआईटी जो भी है आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी सालों से ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं बीएड वगैरह, तो वहां पर भी आपको टीचर्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, बट आईआईटी का टैग ऐसा है कि सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। 199 ऋषभ, थोड़े कम चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू भाई ए बी गेमिंग, थैंक यू सो मच। हाँ मुझे मालूम है, मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है, बट ठीक है, अब तारीफ करिए, थैंक यू। ओके 383 जजलान, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपका एडमिशन पक्का है, आप मान के चलिए, है ना, कि वेबसाइट पर ठीक से ही नहीं लग पा रहा है, नोटिस नहीं प्रोवाइडेड है। हाँ नोटिस प्रोवाइडेड नहीं है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलरली सभी वेबसाइट को विजिट करूँ, जब भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप ग्रुप 2 ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ग्रुप 1 फुल चल रहा है, बट पता नहीं वहाँ भी कैसे रिक्वेस्ट आ जा रही है। ठीक है, सिलेक्शन राउंड कितने होंगे गीतांजलि पूछ रही है, तो गीतांजलि सिलेक्शन राउंड डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर स्टूडेंट आते हैं और उनके फिजिकल वेरिफिकेशन में वो हो जाते हैं फेल, मतलब कि उन्होंने पीसीबी के लिए भरा था बट एग्जाम में कॉम्बिनेशन कुछ और ले लिया, तो फिर उनका एग्जाम, उनका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो फिर दूसरों को चांस मिलेगा, इसी पर डिपेंड करेगा कि कितने राउंड होंगे। ठीक है, 204 पे स्टेट जनरल स्टेट कॉलेज, थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल
मुश्किल है जनरल में। देखिए ना अभी मैंने आपको बताया 300 प्लस में सब क्लोज है जनरल वालों के लिए, प्रीति ठीक है। 245 ओबीसी मुश्किल है, ओबीसी में भी। टू फिफ्टी के अबव चलेगा, ओके। एएमयू की रिपोर्ट कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, अभी तक तो कॉमर्स के बारे में प्लीज। अदिति कॉमर्स जो है ना बहुत लिमिटेड जगह पर सीट है, और कॉमर्स के जो स्टूडेंट है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि सीट भी कम है और स्टूडेंट्स भी कम है उसके, तो चांसेस हैं जितने भी लोग हैं लगभग उनका एडमिशन हो जाएगा। बट इन इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं पर भी बीकॉम के लिए कोई सीट नहीं है। ओके अदिति बाय बाय, टेक केयर। हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स कोटा रहता है, बिल्कुल रहता है, उसके कुछ प्लस 5 या प्लस 10 ऐसे कुछ मार्क्स मिलते हैं ठीक है। मैम बायोलॉजी के लिए आरआई के अलावा कोई कॉलेज नहीं है क्या? हाँ अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, जो भी बीएससी बीएड कराते हैं उनकी जो सीट्स हैं वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है, हाफ मैथ्स वालों के लिए हाफ बायो वालों के लिए ठीक है। अच्छा नीरज को डीयू मिला है, अरे वाह बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस चीज का मैंने रिप्लाई नहीं किया? 326 जनरल में आ रहा है आईआईटी। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, मिल सकता है। थ्री जीरो सेवन ओबीसी आ रहा है भोपाल, यस चांसेस तो है, चांसेस हैं। ओके ईडब्ल्यूएस 158 थोड़ा मुश्किल है, नहीं ओके। कोई कॉलेज मेरिट लिस्ट आया है क्या? नहीं अभी कोई कॉलेज की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं जरूर आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगी, यहाँ वीडियो बना करके इन्फॉर्म करूंगी। एनसीसी कोटा भी लगता है, बिल्कुल सब तरह के कोटा वहां पर अवेलेबल होते हैं, आपकी वेटेज लिस्ट उसी से तैयार होगी और एट द टाइम आपको फिर एडमिशन मिलेगा। मैम मुझे भी मिल गया, ओके। इतनी जल्दी मैसेज हो रहे हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैम बीएचयू मिला है, ओके नाइस वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 140 जनरल बीए बीएड रचित थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है जनरल में राइट। स्टेट कोटा में कंफर्म नहीं कर सकती क्योंकि सेंट्रल एग्जाम हुई है ना, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर एग्जाम हुई है और ओपन काउंसलिंग होती है, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा वो। स्टेट कोटा की अभी कोई जानकारी नहीं है, बट हाँ स्पोर्ट्स कोटा और कौन सा कोटा था अभी, एनसीसी कोटा, हाँ ये सब लगेगी। हाँ बिल्कुल यस्मिन मैं इन्फॉर्म करूंगी, जिस भी यूनिवर्सिटी का होगा आप में से भी किसी को पता चलता है तो आप प्लीज मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए ठीक है। ओके 240 मार्क्स ओबीसी, अरे जस्ट अ सेकेंड, मेरा आ रही मिल सकता है अप्लाई विद अप्लाइंग, हाँ चांसेस बनते हैं सृष्टि, चांसेस बनते हैं और बहुत जल्द ये चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है कि आ रही सिर्फ एमपी वालों के लिए है, और भी रीजन और भी स्टेट आती है उसमें
ना अलग अलग सर्कल के, तो 250 पीसीबी ओबीसी, नहीं थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, 340 के अबव थोड़ा होता तो। अच्छा देखिए, कम मार्क्स वालों के भी एडमिशन हो सकते हैं, किस कैसे हो सकते हैं, अगर आपसे ऊपर वालों ने अगर कोई गलती करी थी फॉर्म भरते समय, अगर कॉम्बिनेशन गलत ले लिया है और वहां पर कंसीडर किया जाएगा, तो फिर जिनके कम मार्क्स है ना उनके भी नंबर आ सकते हैं। हाँ, काउंसलिंग की फीस लगेगी, जहां तक मेरी जानकारी है, काउंसलिंग इनिशियल, काउंसलिंग और इनिशियल रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। हाँ मैंने भी देखा, जीबीयू में 10,000 है, नॉन रिफंडेबल, इतना कौन लेता है, मतलब इतना तो प्राइवेट वाले नहीं ले रहे। राइट, 224 ओबीसी थोड़ा मुश्किल है, 250 के ऊपर होता ना तो पॉसिबल था। अदिति आपका एडमिशन तो पक्का है, डोंट नॉट टू वरी, कॉमर्स वाले वैसे ही बहुत कम है यहाँ। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, 400 पर बिल्कुल मिल जाएगा, जो यूनिवर्सिटी चाहते हैं मिल जाएगी। अभी हॉस्टल के चार्जेस तो मुझे नहीं पता है, बट अराउंड मुझे लगता है कि 1 साल की फीस आपकी पहुंचेगी 60 तक, सब कुछ मिला के, है ना? नहीं, हर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग रहती है। हाँ एफिलिएट कॉलेज मिल रहा है तो वो भी ले लीजिए। देखिए आईटीईपी कोर्स ऐसा है, जहां पर भी एडमिशन मिल रहा है वहां ले लीजिए, राइट? अब वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, एफिलिएट कॉलेज मिल रहा है, ऑटोनोमस कॉलेज मिल रहा है, या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, सीट्स नहीं बच रही है इन कोर्सेज की कहीं पर भी, ठीक है? यस, और मैं तो ये कहूंगी कि 150 के बिलो जिनके नंबर हैं, 150 के बिलो वो तो फिर ज्यादा वेट ना करें, जहां एडमिशन मिल रहा है ले लें, ठीक है? यस, 269 जनरल थोड़ा मुश्किल है, स्टूडेंट्स पॉइंट थोड़ा मुश्किल है। मैं डोमेन स्टूडेंट चॉइस क्या और यूनिवर्सिटी में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी यूनिवर्सिटीज में ही ऐसा है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है? ओके, आई थिंक अभी कोई और डाउट नहीं है किसी का, काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, राइट? एनी अदर डाउट? पीडब्ल्यूडी 110 है, मुश्किल है नीरज, मुश्किल है थोड़ा। हाँ रचित, आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, एफिलिएट कॉलेज भी मिल रहा है अगर, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं सभी में बराबर कैटेगरी लगेगी, वो देखिए कैसा होगा, बायो वालों, साइंस वालों के लिए समझ लीजिए, बीएससी वालों के लिए मान लीजिए 50 सीट है, तो 25 चली जाएंगी मैथ्स वालों के लिए, 25 चली जाएंगी किसके लिए, बायो के लिए, ठीक है? अब इस 25 पर भी गर्ल्स कोटा लगेगा, ईडब्ल्यूएस, तमाम पीडब्ल्यू जितने भी कोटे होंगे उस पर लगेंगे, और इस 25 पर अलग से लगेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच खेरा सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। फुल आईटीपी कोर्स, देखिए
किसी भी यूनिवर्सिटी से करने जाएं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब कुछ मिला मिलो के जो फीस जाएगी वो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं मिनिमम 60 से 70 हजार मान लीजिए, ठीक है, एक साल की 60 से 70। इसमें ट्यूशन फी अलग होती है, आपकी लाइब्रेरी फीस अलग होती है, बहुत सारी फीस फिर बाद में ऐड होती जाती है, आपके हॉस्टल की फीस, ये सारी चीजें मिला करके 60-70 तक पहुंचेगा, इससे ऊपर भी हो सकता है। आईआईटी वगैरह में तो 1-1.5 लाख पर साल की फीस है, आरआई वगैरह में 60-70 के आसपास, और आईआईटी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर तो 1 लाख के आसपास की फीस जा रही है। जनरल का सेफ जोन 300, ठीक है। ज्यादा EWS, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू इसी PDF से मिल जाएगा आपको, जस्ट सेकेंड। EWS पूछ रहे ना, देखिए बायो में EWS गया था इसमें 248 और मैक्स ग्रुप में 285, तो मैक्स ग्रुप में EWS ज्यादा गया है। अब NCT का क्या सिनेरियो बनता है देखते हैं, ठीक है। यस यस मेन, थैंक यू सो मच। इग्नू के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, इग्नू में देखिए सीट्स डबल है, सीट बहुत ज्यादा है, तो अगर आप जो लोगों को ये चांसेस है कि हमारे मार्क्स कम है तो वहां अप्लाई करें, क्योंकि वहां इंटेक ज्यादा है, 200 सीट है, बाकी इंस्टीट्यूट में 50-50 सीट है, ठीक है। हाँ, कॉमर्स में चांसेस है कि लगभग सभी का, क्योंकि कॉमर्स वाले कम भी हैं, है ना, राइट। तो इग्नू हो गया, आरआई भोपाल हो गया, राजस्थान की कौन सी एक यूनिवर्सिटी है उसमें भी इनटेक डबल है, अदर इंस्टीट्यूट 50-50 सीट है तो वहां पर 200-200 है, 100-100 सीट है, है ना, हर एक कैटेगरी के लिए। तो बेटर रहेगा कि आप लोग उनमें अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं एडमिशन के। थ्री हंड्रेड BA, हाँ हो सकता है 300 BA। OBC सेफ जोन, OBC में क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे तो मैं OBC का सेफ जोन, अगर अगेन आपको ये लिस्ट आप देख रहे हैं, देखिए OBC का 269 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 250 के अबव में मान के चल रही हूँ, यहाँ पर देखिए 290 दे रखा है, 250 के अबव OBC के लिए सेफ जोन है। ST हाँ मिल सकता है, राजेश कुमार जी आपको मिल सकता है बिल्कुल, OBC सेफ जोन 250 अबव। यस यस अदिति, आपके मार्क्स कितने हैं आप बताइए, फिर मैं आपको कंफर्म बताती हूँ क्या चांसेस बनते हैं। मैम राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन, वहाँ के प्रोफेसर से बात की थी मैंने, फॉर विच कोर्सेस, NCET के थ्रू, हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है ITEP कोर्सेस के लिए उन्होंने वहाँ पर एक नोटिफिकेशन तो दिया हुआ है, है ना। अब देखते हैं कि जो पुरानी सीट्स हैं उसी में एडमिशन की बात है या नई सीट्स मिली हैं उन्हें, ठीक है। वेट, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। इग्नू में भी काउंसलिंग का प्रोसेस यही होगा, वेबसाइट विजिट करनी है, नोटिफिकेशन आएगा, या तो आपसे स्कोर कार्ड अपलोड करने को बोला जाएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को बोला जाएगा, या दूसरा क्लोज्ड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपको जा करके फीस जमा करके एडमिशन लेना है, ठीक है। ओके वी गेमिंग वेलकम। हाँ कुछ यूनिवर्सिटी का सर्वर डाउन है, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ मैं,
यस ओके तो आई थिंक द रिपीटेटेड डाउट्स हैं वही डाउट्स हैं और किसी का कोई डाउट. और अगर मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पा रही हूँ कभी कभी तो आई एम सो सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी लोगों के मैसेज के जवाब दे पाऊँ. ठीक है हाँ 300 के अबव जितने भी हैं उनके चांसेस अच्छे हैं. यस व्हाट्सएप ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है, ओपन उसमें चैट ओपन की नहीं है, है ना, क्योंकि काफी हंगामा हो गया था ग्रुप में, ग्रुप ओपन कर दिया था तो इसलिए पहले एडमिशन हो जाने देते हैं, है ना. हाँ हाँ अदिति बिल्कुल जरूर आइए, भोपाल आइए. देखिए भोपाल में जिन भी लोगों के एडमिशन होंगे वो जरूर आए, मैं खुद भी आऊंगी कॉलेज मिलने. और मैं सोच रही थी हमारे एक टीचर है वो भी आते आप सभी लोगों को गाइड करते, तो मैं एक सोच रही हूँ कि एक इंटरेक्शन अरेंज करूँ ताकि आप भी देखें कि आरआई के टीचर कैसे होते हैं और कैसा वहाँ का माहौल होता है, वो आप सभी लोगों को बताएं. आपको क्या लगता है जल्दी से थम्स अप दीजिए अगर आप चाहते हैं कि टीचर आए और आपको थोड़ा बताएं. यस हाँ गर्ल्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ गर्ल्स ही, राइट ओके. तो मैं कोशिश करूंगी कि सर थोड़ा सा समय निकाल करके आए और एक डिस्कशन करें आप सभी लोगों को और भी ज्यादा, क्योंकि वो मेरे भी टीचर रहे हैं तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मैंने ग्रुप में दी थी ना, आप वहां से देख सकते हैं, वो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर लीजिएगा, अगर कहीं सीट बची होगी तो आपको मिल जाएगी. ठीक है या वेलकम वेलकम आदित्य ओके राइट डोमेन स्टूडेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल या इट्स आदित्य वेलकम एंड वुमेन यूनिवर्सिटी का भी नाम डाल दिया, एनी प्रॉब्लम नहीं भैया. जो अब वुमेन यूनिवर्सिटी का नाम कैसे कोई डाल सकता है राइट एडमिशन मिलना ही नहीं है वहां बॉयज को राइट ओके. एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई कट ऑफ, अभी किसी का भी कट ऑफ नहीं आया है, कट ऑफ जब आएगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप में या फिर आप भी अपने से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. 200 मार्क्स में बीए क्या है प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, 400 वाले अगर ओपन काउंसलिंग हो रही है तो जहां एडमिशन चाहते हैं वहां मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. पीसीएम में है, पीसीएम में पीडब्ल्यू का कट ऑफ ज्यादा गया है. इग्नू में डिस्टेंस लर्निंग होगा क्या, कंफर्म नहीं है कि डिस्टेंस लर्निंग होगी या नहीं, क्योंकि इग्नू दिल्ली में तो दिल्ली सेंटर में हो सकता है कि वो आपको पढ़ने के लिए बुलाएं. ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पर दे देती हूँ. ठीक है जस्ट सेकेंड ओके राइट कहाँ चला गया अभी मेरा ग्रुप, जस्ट अ सेकेंड ओके ग्रुप ओके कॉपी लिंक एंड ये देखिए कमेंट बॉक्स में, जस्ट अ सेकेंड लेट मी पिन प्लीज होल्ड ऑन कमेंट
राइट, एक कमेंट मैंने पिन की है, गीतांजलि की कमेंट पिन हो गई इतनी जल्दी जल्दी. ओके जस्ट सेकेंड, देखिए एक कमेंट अभी मैंने किया है, लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है. तो यस, पिन भी कर दिया है वो कमेंट मैंने, जो लिंक है वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. 321 ओबीसी, यस हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल. नॉट ओपनिंग, नहीं जैसे ही आप ओपन करेंगे ना पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिए. कौन सा पीडीएफ? ये तो सीयूईटी वाला है. सारे कॉलेज रेगुलर ही होंगे क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है ना, ये सारे रेगुलर कोर्सेज होंगे, ठीक है. जहां तक इग्नू की बात है, मुझे लगता है इग्नू में भी रेगुलर कोर्स होगा. रेगुलर रेगुलर, ठीक है. ओके okay. नहीं समीक्षा, बिलो 200 जनरल वालों के लिए कोई चांस नहीं है. उसके लिए आप फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे दिया था, राइट. वो आपको बता पाएंगे कहाँ पर सस्ते में ये कोर्स हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं. पीयूष बोल रहे हैं हाँ 400+ में तो हो जाएगा पीयूष. अरे अजमेर की वेबसाइट का फंक्शन बिल्कुल सही नहीं है, कहाँ पर लिस्ट आई कुछ समझ नहीं आ रहा. अभी लिस्ट आई ही नहीं है, कहाँ आ गई लिस्ट, मुझे चेक करने दीजिए, रुकिए आपके सामने मैं लाइव चेक कर लेती हूँ. चलिए आ रही अजमेर है ना, आ रही अजमेर की बात हो रही है. अः जस्ट अ सेकेंड, RIT अजमेर. ओके ये देखें RIT अजमेर, क्या नोटिफिकेशन है देख लेते हैं, कुछ आया है क्या यहाँ पर. नहीं, स्टूडेंट्स में देख लेते, स्टूडेंट कॉर्नर में कोई नोटिस है क्या, अभी देखते हैं. जस्ट सेकंड, फी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, अब भी लाइव देख लेते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जिस भी एग्जाम की जॉब की प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है. राइट जस्ट सेकेंड, अभी कोई लिस्ट ऐसी लिस्ट नहीं है. देखिए हम लोग नोटिस में आए थे, नोटिस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अभी नोटिस में होम पेज ही ओपन हो रहा है, ठीक है. अभी कुछ भी लिस्ट नहीं आई है, अगर कोई कह रहा है कि कोई लिस्ट आ गई है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. देखिए बीएससी बीएड प्रोग्राम करवाते हैं ये, और उसमें दो ग्रुप है, एक मैथमेटिक्स का ग्रुप है, एक बायोलॉजी का ग्रुप है, ये बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट भी बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए 25 सीट है इसमें, बट अभी ये क्राइटेरिया चेंज होंगे, ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. मैं आपको बता दूं ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, अभी क्या होगा अभी देखना पड़ेगा. ये थ्रू सीसीई जब होता था वहां की इंफॉर्मेशन है, ठीक है. अब नहीं, यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट किया है ना, सीईई के थ्रू जो होता था उसके लिए ये सीट अलॉटमेंट है. अब एनसीईटी के थ्रू क्या क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा. देखिए 55 सीट फिजिकल साइंस की है,
मतलब मैथमेटिक्स वालों के लिए, और बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप की 55 सीट है, ठीक है। और देखिए ईडब्ल्यूएस का कोटा कितना है, सिर्फ 3 और 1। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब का मिला करके सिर्फ 1 सीट दी थी। मतलब जनरल वालों के लिए टोटल 47 में से 23 सीट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट थी, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4। देखिए इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बट ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, पुरानी है, डोंट टेक इट अदरवाइज। अभी प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है। स्टेट कोटा अभी यूपीएससी टारगेट है, यूपीएससी टारगेट है तो आरआई ही ले लीजिए। आईआईटी में तो मैंने सुना है बहुत ज्यादा इंगेज रखते हैं, हालांकि आरआई में भी इंगेज रखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वो हम कह नहीं सकते कि कौन सा टफ है, कौन सा आपको लीनियंसी मिलेगी। कोई भी तैयारी करनी है पैरेलल में कर सकते हैं, बट किसी में आपको ज्यादा कम समय देना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। सभी में 9 आवर्स का कॉलेज होगा, 9 to 5 कॉलेज आवर्स होते हैं, तो अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। रुकिए अब एक चीज और देख लेते हैं, इसमें साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये 2022 से 23 वाला है, ठीक है, 2022 से 23 वाला। बहुत फीस लग रही है इसमें भी, है ना। एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस है 500, ये देखिए ट्यूशन फीस है 5000, और ये सारी चीजें मिलाते मिलाते रूम रेंट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड, ये सब मिला करके मुझे लगता है मेस भी लेंगे अगर हॉस्टल में रहेंगे या बाहर रहेंगे तो मेस की ही फीस यहाँ पर कितनी हो गई, 10 और 10 20 25 हजार तो मेस की फीस है। मतलब कि आपका खाना खाएंगे ना मैस, समझते हैं ना सब लोग, ठीक है। और वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये मिलाकर के मान लीजिए 10 ये हो गए, तो 25 10 35, 5 ट्यूशन फीस 40, और ये तमाम तरह की छोटी मोटी फीस मिलाते मिलाते हाँ गाड़ी वही 40-45 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हर इंस्टीट्यूट की फीस अलग अलग है, ठीक है। 259 जनरल थोड़ा मुश्किल है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल आपका जो क्राइटेरिया रहने वाला है पीयूष, वो होगा आपका स्कोर कार्ड, ठीक है। बीए बीएड में 315 में हो जाएगा, हो जाना चाहिए 315 में, पता पड़ेगा अभी थोड़े दिन में। एक आध लिस्ट आने दीजिए, दिशा ओपन काउंसलिंग हो रही है, सारे लोग आ सकते हैं या जिन्होंने जो नाम डाले थे अपने फॉर्म में वही लोग अटेंड कर सकते हैं, थोड़े दिन में पता चलेगा। जरूरी यह है कि आप एक्टिव रहें ग्रुप में भी, वेबसाइट जरूर देखते रहें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप वेबसाइट देखते रहें। नहीं नहीं मैं कोई आरआई भोपाल में, मैंने वहां से पढ़ाई की, मैं वहां जॉब नहीं करती हूँ, राइट। मेरा जॉब है क्या, मेरा जॉब है टू प्रिपेयर, जैसे आप स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मैं उस एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ जिससे पढ़ करके बच्चे
आरआई में प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है, उसकी एग्जाम जो कि होती है नेट। आगे आने वाले समय में आप भी, हो सकता है आपका मन करे तो आप भी टीचर बनना चाहे, कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहे, तो फिर आपको नेट एग्जाम देनी होगी। मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, अपने पुराने चैनल है ना स्टडी ऑफ एजुकेशन, उस पर यही काम चलता है मैम। अगर हम 3 ईयर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर बाद में 2 ईयर बीएड कर लें तो मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2030 के बाद की वो बात है कि मिनिमम किसी टीचर के पास ये क्राइटेरिया, ये चीज होनी चाहिए कि या तो उसने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो या फिर बीएड हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 270 ओबीसी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हाँ ये तो दिक्कत है। 778 लोगों ने फिजिकल एजुकेशन लिया तो है। अब देखिए ये इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है, एनटीए ने पहले ही कह दिया था अपने फॉर्म में कि उन्होंने ये सब्जेक्ट दे जरूर दिए हैं, बट फाइनल डिसीजन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का होगा, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट चॉइस डोमेन नहीं चलेगा, डोमेन वही चलेगा जो इंस्टीट्यूट चाहता है, ठीक है, और वो डोमेन वाइज ही चलेगा। अगर 12th में आपका आर्ट्स था तो एग्जाम के टाइम में भी आर्ट्स और एडमिशन में भी आपको बीए ही लेना है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता सृष्टि के बीएससी में नहीं मिला तो बीए के लिए ट्राई कर ले, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ओके। तो आई थिंक अभी सिमिलर टाइप के, यस आई एम 3 times नेट क्वालिफाइड, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए जिन लोगों का इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा ना, तो आप हमारी पुरानी चैनल से भी जुड़िए, वहां पर सारी पढ़ाई होती है रिलेटेड टू बीएड, ठीक है, बीएड की पूरी की पूरी पढ़ाई वहां पर होती है। हालांकि आप इतने अच्छे टीचर से पढ़ने वाले हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी यूट्यूब चैनल की, बट इन केस कुछ समझ में नहीं आता तो आप जुड़ सकते हैं। आरआई में क्या, डोमेन में क्या मांगते हैं, वही जो सब्जेक्ट 12th में हो, वो 12th में जो सब्जेक्ट है वो। ऐसा कुछ नहीं है मोहन कि एक बार में होता है या नहीं, डिपेंड करता है ना। मैंने 3 बार निकाला है, कई बार एक बार भी बार नहीं निकाल पाते, और कई कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल लेट निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, डिपेंड करता है आपने तैयारी कैसे की है, ठीक है, ओके। हाँ प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम आएगी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत रखा है तो प्रॉब्लम आएगी। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या डिसाइड करते हैं। देखिए बराबर में मुझे इधर भी मैसेज आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा एक डाउट यहाँ पर किसी ने मुझे भेजा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डाउट है कि फॉर्म फिल करते हुए प्रिपरेटरी फिल किया है जिस कॉलेज में, तो अगर प्रिपरेटरी लेवल वो प्रोवाइड कर रहा था तभी तो वो एडमिशन देगा ना, ये भी एक समस्या है, ठीक है। सृष्टि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एनसीईटी के थ्रू जो हो रहा है उसमें तो मुश्किल है। देखिए आईआईटी वालों ने अपने क्राइटेरिया क्लियर कर दिए, ठीक है, अब ये सृष्टि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है ये मुझे नहीं मालूम है अभी, ठीक है। 168 मुश्किल है, बिलो 200 प्रॉब्लम है, बिलो 200 में मुश्किल होगी एडमिशन में, ठीक है।
डिस्प्ले में भाई कौन सा क्या चल रहा है। हाँ ठीक। एनसीटीई से हो रहा है गवर्नमेंट है, तो फिर देखिए फिर वही बात हो गई कि यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है या कॉलेज पर कि वो क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी, चलिए देख लेते हैं, इन्होंने नाम बताया है, लाइव टेस्ट कर लेते हैं इसका। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, जस्ट सेकेंड, नाम है यूनिवर्सिटी का शास्त्री, शास्त्री यूनिवर्सिटी। ठीक है देख लेते हैं शास्त्री। यूनिवर्सिटी ऐसी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है इसमें। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, ओके इसी की बात कर रहे थे जो, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं समझ नहीं पाई। ओके ओके देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। किस में देखा, अभी तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है इसमें, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ओके एक बार एनसीईटी की साइट भी देख लेते हैं हम, एनसीईटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वहां से ले लेते हैं एनसीईटी। चलिए यूनिवर्सिटीज देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में मिलेगी। ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं भी कहाँ है वो यूनिवर्सिटी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव, इंडियन इंस्टीट्यूट, इनमें से अभी किसी का भी एक, हाँ मुझे आज किसी ने भेजा था महाराजा पूर्ण चंद्र ऑटोनोमस कॉलेज का, इसको भी चेक कर लेते हैं लाइव। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसको भी देख लेते हैं। महाराजा पूर्ण चंद्र ऑटोनोमस कॉलेज में देखिए बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कराया जा रहा है, इसका चेक करते हैं। और यहाँ पर बीए बीएड कराया जा रहा है, काफी कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, 50% इक्विवेलेंट प्राक शास्त्री, संस्कृत वालों के लिए है तो उनके लिए एक अलग लैंग्वेज वाले जो है ना ऐसी उर्दू यूनिवर्सिटी उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। एमपीसी में देखें कोई इंफॉर्मेशन नोटिस नहीं, नहीं कोई नोटिस नहीं है। रिजल्ट नोटिस में देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। राइट जस्ट अ सेकेंड,
बीएड में क्या पढ़ाते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड में जो भी पढ़ाया जाता है, एक तो आपको ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, साथ में आपको पढ़ाया जाता है कि एक अच्छा टीचर कैसे बने, मतलब कि अगर आपको साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो वो कैसे पढ़ाया जाता है, एक टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है। काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगी, एक्टिव रहना है आपको साइट्स पर, जो भी वेबसाइट, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं उसके लिए। देखिए अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एनसीईटी से रिलेटेड, ठीक है, अभी कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी चल के देख लेते हैं एक बार, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं पर भी, डिपार्टमेंट में भी देख लेते हैं। फिलोसॉफी एजुकेशन, एजुकेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी बेफिक्र रहिए, आराम से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, एक वीक का टाइम भी मिलेगा। एंड यस, यस यस बिल्कुल, जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट की कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम ऐसे ही लाइव आकर के एक्सप्लोर कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी पता पड़ता है प्लीज शेयर कीजिए, मुझे कोई और स्टूडेंट बताएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। नहीं अभी आपको साकेत, आप निराश मत होइए, फिजिकल एजुकेशन आपने लिया है, काउंसलिंग में आपका नाम जरूर आएगा, तो आप जा करके वहां पर बात जरूर कीजिए इंस्टीट्यूट में जा करके, ठीक है, एक बार इंस्टीट्यूट जरूर जाइएगा जहां पर भी आपका नाम आता है। दीप्ति क्या कह रही है, दीप्ति 290 जनरल बीएससी बीएड थोड़ा मुश्किल है, 300 के अबव होता तो कंफर्म था, बट अगर किसी का एडमिशन कैंसिल होता है तो फिर नंबर आ सकता है दीप्ति आपका। यस, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, बीच में कुछ लोग फेक वेबसाइट भी बना करके पैसे वैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईटी की साइट पर आइए वहां से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी आपको। बीएससी बीएड में आपको फिजिक्स, देखिए मैथ्स वालों को क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बायो वालों को क्या पढ़ाएंगे, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए आई थिंक काफी समय हो गया, अब हम जब अब कुछ ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो फिर हम सब लोग मिलेंगे, ठीक है, इज इट ओके। चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, नॉट द क्लास, डिस्कशन सेशन में, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू लाइव आने के लिए साथ में, एंड जो भी डाउट है आप सभी के, क्या बोल रहे हैं गोविंद सिंह, गोविंद क्या पूछ रहे हैं, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, 240 EWS में RIE BA BEd हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है 240 में, 90% है ना, 250 के अबव होता तो कंफर्म था, ओके। चलिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सून वी विल मीट इनटू नेक्स्ट, ओके, बाय बाय बाय, ओके।